चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट लाहौर स्मार्ट सिटी कमर्शल्स और लाहौर स्मार्ट सिटी में जो दो प्लाट्स लॉन्च किए गए हैं चार मल्ला और आठ मल्ला के प्लाट्स उनके हवाले से मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लन करूँगा वेसाइड इस बात के कि उनकी प्राइस क्या है उन पर ओन क्या है प्रीमियम क्या है ये वीडियो ये टॉपिक जो है ये उससे थोड़ा हट के है मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा बट एट द एंड ऑफ वीडियो प्रिंसिपली शुरू में जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि चार मल्ला और आठ मल्ला कमर्शियल प्लॉट्स की बेसिकली उसमें कितनी कंस्ट्रक्शन अलाउड है कहाँ पे वाक्य होंगे उन पे क्या रेंटल वैल्यू रिसीव कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें कहाँ पे अकोमोडेट हो सकती हैं अब यूजुअली ये जो कमर्शियल प्लॉट जब लॉन्च होते हैं तो इनकी जो प्राइसेस होती हैं हाई होती हैं और इन इनपे साथ ही प्रॉफिट या प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है बट ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो लोग इसको लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं ये शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं तो तभी मैं इस बारे में बता दूंगा आपको कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ पर जाके मैच करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जी चार मला कमर्शियल प्लॉट्स की चार मला कमर्शल प्लॉट जो है उनका जो साइज़ है वो होगा वन हंड्रेड स्क्र यार्ड अगर हम स्क्यर फीट में बात करें तो नाइन हंड्रेड स्क्वेयर फीट और अगर हम बात करें मरलों में तो चार मरले तो वसी है और अगर हम बात करें इसकी तो टोटल डायमेंशनस की तो चार ममर्शल प्लाट जो होगा वो होगा इस्लामाबाद में वाकया है जो प्लाट्स वो हैं थर्टी बाय थर्टी यानी तीस फुट फ्रंट और तीस फुट इसकी लेंथ होगी और इस पर जो टोटल आपको कवर्ड एरिया अलाउड होगा ये इंपॉर्टेंट बात है यानी ये सारी बातों एक तरफ और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर आपको कंस्ट्रक्शन कितने फ्लोर्स की अलाउड है कंस्ट्रक्शन कितने फ्लोर्स की अलाउड है इसलिए तो मैं ये बात पर इतना फोकस कर रहा हूँ कि जो प्लॉट होता है ज़मीन उसकी चार मरले की है लेकिन जो भी इंडिविजुअल चार मरला बाय करता है या आठ मरला बाय करता है वो रेंट चार मरला का रिसीव नहीं करता रेंट उसने रिसीव करना है वो एक कनाल का रिसीव करना है वो कैसे रिसीव करना है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ चार मरला कमर्शियल प्लॉट जो होता है उसकी हाइट होती है थर्टी फीट ग्राउंड एक दस फुट का ग्राउंड फ्लोर होता है प्लस थ्री बेसमेंट के साथ मिला लें तो टोटल फ्लोर्स बन गए पाँच ग्राउंड के ऊपर तीन फ्लोर और बेसमेंट मिला के पाँच फ्लोर्स तो टोटल आपको जो कवर्ड एरिया मिलता है वो मिलता है ट्वेंटी मरला फाइव इंटू फोर ट्वेंटी मरला ट्वेंटी मरला मीन्स वन कनाल अब आपको 20 मरला के रेंटल वैल्यू के हिसाब से देखें और चार मरला की प्राइस को देखें तो आपको फॉर एग्जांपल जो टोटल प्लॉट की प्राइस पड़ी है नाइन्टी फोर ओवरसीज़ में और इस पर जो आपको ऑन देना पड़ रहा है वैसे वक्त मार्केट ऑन है तकरीबन इलेवन पॉइंट फाइव टू ट्वेल्व लाख रुपीज़ अब इलेवन पॉइंट फाइव टू ट्व लाख रुपीज़ जो प्रिंसिपल ऑन या प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है वो जो प्राइस है वो इस प्राइस से हट किया है जो प्रिंसिपल डाउन पेमेंट है उससे हट किया है अगर आपको ट्वेंटी मरले रेंटल वैल्यू की स्पेस मिल रही हो लेट्स इन वन करोड़ रुपीज़ ऑन थ्री ईयर्स पेमेंट प्लान तो इट मीन्स यू आर बाइंग फोर मरला कमर्शल फॉर रेंटल परपज जिसकी आपको रिटर्न आएगा ऑन ट्वेंटी रुपीज़ पर मतलब आप कह लें पर फ्लोर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लॉट की कॉस्ट होगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हट के अब आते हैं जी आठ मरला मतलब कमर्शियल पे अच्छा इनकी लोकेशन कहाँ पे होगी लोकेशन जो वाक्य होगी इनकी कोई भी चार मरला मतलब कमर्शियल प्लॉट अगर कोई इंडिविजुअल आपको ये कह के कि सेल कर रहा है कि चार मरला मतलब कमर्शियल प्लाट्स सर मेन बुलेवर्ड पे दिलवा दूंगा आपको मेन रोड पे प्लॉट होगा इससे आगे पीछे प्लॉट नहीं होगा तो वो गलत बयानी कर रहा है क्योंकि चार मरला मतलब कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो सेक्टर मार्केट के प्लॉट्स हैं सेक्टर मार्केट के प्लाट्स क्या होते हैं कि सेक्टर मार्केट एक लेट्स एक ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज ब्लॉक का ब्लॉक है जिसका एक सेक्टर है सेक्टर ए वो है उसमें वहाँ पे प्लॉट्स होंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे से जी फाइव मरला के अब फाइव मरला के रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर एक कमर्शियल मार्केट होगी जिसे कहते हैं क्लास थ्री मार्केट अब क्लास थ्री मार्केट के जो प्लॉट्स होंगे वो प्लॉट्स कंसिडर होंगे चार मरला कमर्शियल प्लॉट्स क्योंकि वहाँ पे छोटी शॉप्स यानी सब्जी करियाना स्टोर और बाकी तंदूर और जो छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के जो भी इंडिविजुअल को वॉकिंग डिस्टेंस पर रिक्वायर्ड होती हैं जैसे सेक्टर के अंदर पार्क होता है ताकि आप वॉक कर सकें और शाम को आप, आप चहलकदमी कर सकें इसी तरह हर सेक्टर की एक सेक्टर मार्केट होती है तो ये उसी तरह कंसिडर होंगे जैसे कि सेक्टर मार्केट के प्लाट्स होते हैं उनकी वैल्यू इसी तरह बनती है मतलब ये चार मतला कमर्शियल प्लाट्स ही होंगे सेक्टर मार्केट में अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में दैट इज़ फो एट मतला कमर्शल प्लाट्स अब एट मरला कमर्शियल प्लॉट जो है वो उसकी जो टोटल डायमेंशंस बनती हैं वो बनती हैं फोर्टी बाई फोर्टी फाइव या आप कह लें ग्राउंड प्लस आपको फाइव या सिक्स की परमिशन मिलती है सिक्सटी फी आपकी परमिशबल हाइट है बेसमेंट मिला के आपके आठ फ्लोर्स बन जाते हैं तो जो रेंटल वैल्यू आप रिसीव करेंगे एट इन टू एट इज इज सिक्सटी फोर तो आपने तकरीबन सवा तीन किनाल की रेंटल वैल्यू रिसीव करनी है आपकी जो प्रिंसिपल प्राइस है प्लॉट की वो है थर्टी सॉरी वन सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव Uh, जो प्रिंसिपल प्राइस है उस पर जो प्रीमियम इस वक्त मार्केट में है दैट इज एट पॉइंट फाइव टू नाइन लाख रुपीज इस पर जो प्रिंसिपल प्रीमियम है अभी ऑन जो प्रॉफिट है अभी और टेन परसेंट से डाउन पेमेंट है अब जो चार मल्ला और आठ महिला के फेवरेट पॉइंट उसे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो मुझे इस सबसे कॉमन सुनने को मिलता है कि चार मल्ला और आठ मरला में से फेवरेट कौन सा होगा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ से चारमरला जो कमर्शियल प्लॉट होगा वो फेवरेट होगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ रीजन उसकी ये है कि चारमरला कमर्शियल प्लाट जो है वो एक ईजी प्रोडक्ट है ईजी सेलिंग है उसकी ईजी री सेल है अच्छी सेल परचेज होती है क्योंकि वो ईजी एक्सेसिबिलिटी में आता है बजट ब्रैकेट में आता है चार मला कमर्शल आज की डेट में वैल्यू एक करोड़ फ्यूचर में लट से वैल्यू जितने ढाई करोड़ या तीन करोड़ तो वो लोगों की फिर भी एक बजट ब्रैकेट में बनता है कमर्शियल प्लाट उस पर कंस्ट्रक्शन में मिला के वो पाँच करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाता है आठ मरला कमर्शियल प्लॉट जो है वो आज की डेट में फिजिबल ब्रैकेट में, में भी हो सकता है बट फ्यूचर में जाके वो फिजिबल ब्रैकेट्स में नहीं होता लट से जी आठ मरला कमर्शियल प्लॉट आप डी में चेक कर लें तो आपको सत्रह करोड़ से बाईस करोड़ रुपये का आठ महिला कमर्शियल प्लॉट मिलता है कॉमनली अब आठ मरला कमर्शियल प्लॉट पे बेसिकली जिस बंदे ने रिसीव करना रीसेल में बाय करना है उसके लिए उसकी जाहिर सी बात है कि एक बिल्डर अच्छे सेटअप के साथ आएगा तो उसको बाय करेगा क्योंकि आठ मरला कमर्शियल प्लॉट्स पे हमेशा मेन रोड पे होते हैं और इन उनपे हमेशा ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है कभी भी आप चार मरला की मार्केट में कभी क्लासरी मार्केट में किसी ब्रांड की क्लोथिंग ब्रांड हो फूड आउटलेट हो या कुछ भी हो नहीं देखेंगे आठ मरला कमर्शियल प्लाट जब मेन रोड पर होगा तो उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है फॉर ब्रांड्स फॉर क्लोदिंग ब्रांड्स फॉर फूड आउटलेट्स और जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए फेवरेट होता है क्योंकि वहाँ पे मेन रोड की एक्सेस होती है और हर बंदा प्रेफर करता है कि यार मेन रोड के ऊपर ऑफिसेज ले मेन रोड के ऊपर ब्रांड या जो भी आउटलेट खोले ताकि लोगों की इजी फुटफॉल ज्यादा हो इजी एक्सेस हो तो आठ मरला कमर्शियल प्लॉट जो है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एज टर्म एंड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने अच्छा रेंटल वैल्यू चार मरला कमर्शियल प्लॉट में कहते हैं पेंशल प्लॉट है कि जो चार मिला कमर्शियल प्लॉट है वो सेक्टर की मार्केट है जो भी इंडिविजुअल प्लॉट बाय करेगा तो आप अपने नेबरहुड में कोई भी शॉप देख लें जहाँ पे सेक्टर मार्केट है आप देखेंगे वहाँ पे जो शॉप्स खुली हुई हैं वो दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल से खुली हुई हैं वहाँ से लोग मतलब वो शॉप छोड़ते नहीं है मतलब एक लट से आपके घर के पास कहीं तंदूर है तो वो बंदा वहीं बैठा हुआ है वो मतलब उसके बाद कोई नेक्स्ट आ जाएगा फिर या दूध दही की दुकान है कोई या फिर कोई छोटी ग्रॉसरी स्टोर है ये चीज़ें कंटिन्यूस होती हैं इसको कहते हैं पेंशन प्लॉट के जैसे आपकी हर साल पेंशन टेन परसेंट या सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉज की टेन परसेंट बढ़ती रहती है इसका रेंट टेन परसेंट बढ़ता रहेगा बट एंड ऑफ द डे इसकी बहुत ज़्यादा रेंटल वैल्यू नहीं होगी आप इसको कंसिडर करें यार कि मेरे चार मला कमर्शियल प्लॉट तो कोई ब्रांड आ जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा रेंट मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा तो इस गलत फैमिली में बिल्कुल मत रहिएगा आठ मरला कमर्शियल प्लाट ऑन दी अदर साइड इसमें जो रेंटल वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है यानी कि रेंटल वैल्यू से मुराद है कि जब आप ब्रांड्स को कोई आउटलेट देते हैं तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू इयर्स का थ्री इयर्स का तो आप साल साल का छः छः महीने का रेंट उनसे एडवांस रिसीव करते हैं किसी ऑफिस को देते हैं तो उसी तरह रेंटल वैल्यू आप छः छः महीने आठ आठ महीने की एडवांस रिसीव करते हैं अच्छी रेंटल वैल्यू होती है अच्छी आपको हाइट मिलती है ग्राउंड प्लस आप सिक्स कह लें तो बेसमेंट के साथ आपके एट फ्लोर्स तो एट फ्लोर्स के साथ आपको सिक्सटी फोर मरला कवर्ड एरिया मिलता है अब नेक्स्ट है इसके आपको चार मल्ला कमर्शियल प्लाट बाय करना चाहिए आठ मल्ला कमर्शियल प्लॉट बाय करना चाहिए डिपेंड्स ऑन के आपका बजट ब्रैकेट क्या है क्योंकि चार मल्ला कमर्शियल प्लाट देखिए तो बहुत ज़्यादा फिजिबल रेट्स में ऑफर किया जा रहा है 95 फाइव लाख रुपीज़ नाइन फोर लाख रुपीज़ का जो कमर्शियल ऑफर किया जा रहा है आज की डेट में आप किसी नेबरहुड में कोई भी सोसाइटी जाकर देख लें इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपको एवरेज जो ढाई मला कमर्शियल प्लॉट है वो वन करोड टू टू करोड़ रुपीज़ कैश प्राइस मिलता है ये प्लाट आपको मतलब उससे साइज से ऑलमोस्ट कह लें कि तकरीबन सिक्सटी परसेंट बढ़ा है ढाई माला तकरीबन चार चार डेढ़ मरला ज़्यादा एरिया आता है आपके पास प्लस उस पर अच्छा ढाई मरला पे कंस्ट्रक्शन जो होती है वो अलाउड होती है ग्राउंड प्लस वन की ट्वेंटी फीट हाइट अलाउड होती है इस लिहाज से देखें तो इसकी जो प्रॉबीबिलिटी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है कि आपको एक तो कनाल का रेंट रिसीव होगा ग्राउंड प्लस थ्री प्लस बेसमेंट चार मा के के में और आपको प्राइस जो मिल रही है दैट इज नाइन्टी फाइव लाख रुपीज़ ओन के साथ आपको तरीबन एक करोड़ पाँच लाख का पड़ेगा डेवलपमेंट चार्जेस के साथ एक करोड़ पच्चीस लाख का पड़ गया आपको ये प्लॉट जो का फ्यूचर में जाके काफ़ी अच्छा प्रीमियम और रिटर्न देगा उसके सिंपल सी रीज़न है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है इट इज़ सराउंडेड बाय थ्री मेजर रोड्स ऑफ मेजर कनेक्टिंग रोड्स ऑफ पाकिस्तान नंबर वन एनएच एच फोर्टी फाइव जी रोड नंबर टू ईस्टर्न uh, बाईपास uh, Sal और रिंग रोड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाहौर स्मार्ट सिटी एम इलेवन लाहौर सैलकोट मोटरवे एंड लाहौर इस्लाम आबाद मोटरवे एम टू इज़ ओनली हार्डली टू किलोमीटर वे फ्राम मेन साइड ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी और जहाँ तक आठ मरला केस है आठ मरला आप लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू से देखें इसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट व्यू से देखें अगर आप एकर कर रहे हैं तो आप इसको ट्राई करें कि लॉन्ग टर्म लेके जाएँ क्योंकि इस पर आपको फ्यूचरिस्टिक जा फ्यूचर फ्यूचर में जाकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेंटल वैल्यू रिसीव होगी प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेज अप्रॉक्सीमेट फोर मिलियन प्लस माइनस और करंट प्राइस वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ वन पॉइंट सेवन नाइन पॉइंट फाइव जीरो करोड़ ये आपको देने पड़ेंगे प्रीमियम के साथ आपको तकरीबन एक करोड़ नब्बे लाख के आसपास पड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म जाके आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जब कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन सो व्यवस्थ दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वो लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो देख लिए खुदा हाफिज़